Subscribe now and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पूड़ियाँ बनाएंगे, जिसके लिए हमने 2 कप हमने मैदा लिया है, और 2 चम्मच हमने ये दही लिया है, और ये 1 चम्मच हमने नमक लिया है, और ये हसब ज़रूरत पानी डालेंगे। सबसे पहले हम 1 बर्तन लेंगे, उसमें ये दही डालेंगे। दही के साथ हमारी पूड़ियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी और नरम बनेंगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। डायरेक्ट हम मैदे में नहीं डालेंगे दही और नमक पानी, इस तरह हम इसे पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और हम इसमें तेल भी नहीं, घी भी नहीं डालेंगे। अब हम ये डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह गूंद गया। अब हम इसे इस तरह रेस्ट नहीं देंगे। इस तरह हम एक ट्रे लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे, और इसमें हम पेड़े बना के रखेंगे। इस तरह हम जितनी जितनी पूड़ी बनानी है, बड़ी छोटी, इस तरह हम पेड़े बना कर रखेंगे। हाथों पर थोड़ा तेल लगा लेंगे। हमने इस तरह सारे पेड़े बना लिए हैं। इसके ऊपर अब हम इस तरह तेल का हाथ लगाएंगे। और इसके ऊपर इस तरह हम ये शीट लगा देंगे। और तकरीबन हम इसे 1.5 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तकरीबन हमने इसे 1.5 घंटा रखा है इस तरह। अब हम पूड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। हम कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, हम इसे तवे में बनाएंगे। इस तरह हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे। इसके ऊपर भी इस तरह तेल लगाएंगे। साइड चेंज कर देंगे। पूड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम ज़्यादा इसे नहीं सुरख करेंगे, निकाल लेंगे। ये देखो कितनी नरम पूड़ी बनी है। इस तरह ऐसे भी कर लें, बहुत नरम पूड़ी बनी है। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत बिल्कुल देखो नरम नरम इस तरह की बहुत अच्छी बनी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।